प्रदेश सरकार शिक्षा व्यवस्था में सुधार के दावे तो कर रही है, लेकिन उसकी हकीकत कुछ और ही है। आज भी कई विद्यालय ऐसे हैं जिनकी हालत बदतर हो चुकी है। ऐसा ही एक मामला टिहरी जिले के थोलदार ब्लॉक के राजकीय इंटर कॉलेज काफल पानी का है, जहां 1950 में एक स्कूल की स्थापना हुई थी। विद्यालय में वर्तमान में 140 बच्चे अध्ययनरत हैं। इसके साथ ही स्कूल में 16 अध्यापक हैं, लेकिन स्कूल में अब आलम यह है कि विद्यालय के भवन जर्जर हो चुके हैं। बरसात के समय छात्र छात्राओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिस कारण बच्चों का पठन पाठन भी प्रभावित होता है। वैसी मामले विद्यालय के प्रधानाचार्य का कहना है कि भवन की समस्याओं को उन्होंने कई बार विभाग को अवगत कराया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि 10 साल से विद्यालय का भवन क्षतिग्रस्त है, लेकिन इसको लेकर सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। जब से इस विद्यालय का प्रांतीयकरण हुआ और यह राजकीय हो गया, उसके बाद किसी जनप्रतिनिधि का इसके तरफ ध्यान नहीं गया। दूसरी बात, सरकार का ध्यान नहीं है। विद्यालयों की स्थिति आज की एक ही विद्यालय नहीं है, हर क्षेत्र में विद्यालयों की स्थिति बहुत नाजुक है। इस विद्यालय का भवन आप देख रहे हैं। मैं यहाँ पे प्रधानाचार्य महोदय जी ने 30 अप्रैल को बुलाया था, जब प्रवेश उत्सव कार्यक्रम था, तो उन्होंने हमसे चिंता जाहिर की कि सरकारी विद्यालयों में जो है छात्र संख्या घट रही है और लोग पलायन करके प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ने को जा रहे हैं। लेकिन मुझे तब ज्ञात हुआ जब मैंने देखा इस विद्यालय की दशा कि वास्तव में लोग प्राइवेट विद्यालयों की तरफ क्यों भाग रहे हैं। सरकार का ध्यान अपनी संपत्ति और अपने विद्यालयों पर तो है ही नहीं। आप देख रहे हैं कि ये कम से कम 10 वर्षों से क्षतिग्रस्त है और इसमें जो है बच्चों को बैठने के लिए बड़ी परेशानी होती है। कंप्यूटर रूम की हालत ये है कि वहाँ बच्चे MDM का भोजन करते हैं, आधा कमरे में भोजन करते हैं, आधा कमरे में कंप्यूटर रखे हैं, और जो कंप्यूटर हैं वो भी खराब स्थिति में, बिल्कुल ख़त्म है, बिल्कुल सारे बंद पड़े हुए हैं। भवन की क्षतिग्रस्त का तो लगा जब सूचनाएँ मांगी जाती हैं तब हम ही इसकी सूचनाएँ देते रहते हैं कि ये भवन क्षतिग्रस्त हैं और हमारे पास इतने कमरे जो हैं मौजूद हैं, 5-6 कमरे हमारे पास ठीक ठाक हैं, बाकी कमरे हमारे, जब हमारे पास बरसात का मौसम आता है तो हमें बहुत मुश्किल होती है और बच्चों को कहाँ, जब कम्बाइंड क्लास बैठानी पड़ती है एक साथ, जब दिक्कत आती है तो बहुत दिक्कत आती है उस समय। मतलब दिक्कतें होती है, जैसे कि बारिश वगैरह होती है तो टपकता रहता है पानी छत से, तो हमें थोड़ा कंजस्टेड होके बैठना पड़ता है, तो मतलब पढ़ाई भी सही से नहीं हो पाती उस कारण से, और लैब वगैरह भी नहीं है यहाँ पे, उससे हमें बहुत सारी समस्याएं होती है।